जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने राप्ती नदी के दोनों छठ घाटों का एनडीआरएफ बोर्ड से निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि छठ का पर्व जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे जनपद में जहां भी छठ घाट है, वहां सभी महिलाएं घाटों पर पहुंचकर छठ पूजन कर रही हैं। सभी घाटों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्था की गई है। राप्ती नदी के दोनों घाटों पर भारी संख्या में लोग आकर छठ माता का पूजा कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पानी में व जमीन पर पुलिस व एनडीआरएफ की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने सभी जनपदवासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजघाट थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजय गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आज छठ के पर्व का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के सभी द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है। विशेष रूप से गोरखपुर में पूरे जनपद में जहाँ जहाँ भी घाट हैं, जहाँ जहाँ भी परिवार माताएं बहनें आकर के छठ पूजा के त्यौहार को मनाते हैं, वहाँ सभी जगह पर प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ राजघाट पर दोनों साइड भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस पर्व को मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास का माहौल है। इसी के साथ साथ चाहे वो पानी के अंदर की सुरक्षा है या बाहर की सुरक्षा है, उसके लिए सभी अधिकारी मुस्तैद हैं। महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी विशेष रूप से लगाई गई है। किसी प्रकार की कोई समस्या आवागमन में ना हो, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था की गई है और पूरे इस आयोजन की निगरानी CCTV कैमराज, ड्रोन कैमराज व अन्य माध्यमों से की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों की इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ।